के भी मार्ज केयर के बारे में बताऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर से तो ये कितना बुशी है ना, आप देखिए कितना बुशी लग रहा है, लेकिन आप जितनी भी पिंचिंग कर लें, जैसे इसकी एज होती है तो ये नीचे से लगी हो ही जाता है। आप देखिए नीचे से देखने में ये कैसा लग रहा है ना, और फिर जब यून आएगा धीरे धीरे से ये सूखने लगेगा, तो जब मार्च या फरवरी लास्ट में इसको जैसे देख रहे हैं यहाँ से मैंने कट किया है, यहाँ से मैं ऑलरेडी दो कटिंग लगा चुकी हूँ, मैं उसको अभी दिखाऊंगी जो कि लग भी चुकी है। मैं फिर भी अभी आपके सामने एक यहाँ से ऐसे करके यहाँ से एक काट लीजिए सीजर से या किसी शार्प उसको उससे पहले उसे सैनिटाइज कर लीजिए, या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपके पास हो तो उससे भी वॉश करके कटर आप उससे काट सकते हैं, किसी भी चाकू से काट लें, इवन हाथ से भी काट सकते हैं। हाथ से ऐसे तोड़ने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी या अगर आपके पास वो हो इंसेक्टिसाइड्स कुछ तो वो उसके ऊपर लगा दीजिए, या फिर कुछ नहीं हो तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ये इनके लोगों के मतलब का ये पेड़ों के खूब फेवर में होता है, मतलब इनका फेवरेट सीज़न है, तो जल्दी ये ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं भी आपको इसकी कटिंग लगाती हूँ, दिखाती हूँ जो मैंने लगाई थी जो लग चुकी है। ये देखिए ये है दो कटिंग जो मैंने लगाई थी वो तोड़ के, जो अब कि लग चुकी हैं, क्योंकि इसे लगाए हुए मुझे लगभग यहाँ देख रहे हैं आप नए दो छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं, इसमें भी आने वाला एकदम छोटे से, तो मतलब इसको लगाए हुए मुझे लगभग एक हफ्ता नहीं करीब 10 दिन करीब हो चुका है, तो ये सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे नए पॉट में डाल दूंगी और वो पेड़ भी मेरे पास रहेगा। तो आप ऐसे ही हाँ इनकी कटिंग लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, आप अपने गार्डन में कलर ऐड कीजिए, गिफ्ट कीजिए सीज़न में। और रही बात खाद वगैरह की इस सीज़न में, तो मैं नॉर्मली ज़्यादा खाद देती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने इसकी सॉइल बनाई थी तभी उसमें वर्मी कंपोस्ट सफिशेंट अमाउंट में डाल दिया था, उसके बाद मैं बार बार खाद नहीं देती हूँ जैसे ये। और प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि केमिकल खाद बिल्कुल ना दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।